नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां प्रदेश के कृषि मंत्री और पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने आज जिला मुख्यालय पौड़ी में नागरिक संशोधन एक्ट CAA के समर्थन में एक प्रेस वार्ता रखी। उन्होंने बताया कि नागरिक संशोधन एक्ट का विरोध वे लोग हैं और नेता कर रहे हैं जो सत्ता में बेदखल, निराश, हताश हैं और वे षड्यंत्र के तहत जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह एक्ट किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक विधेयक है। ये विधेयक नागरिकता देने वाला है, न कि नागरिकता समाप्त करने वाला है। उन्होंने बताया कि भारतीय लोकतंत्र का इतिहास रहा है कि यहाँ शरणागत को आसिया देना भारतीय संस्कृति की पुरानी परंपरा है। उन्होंने बताया कि यह विधेयक किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह विधेयक पड़ोसी देशों में प्रताड़ित हो रहे लोगों को भारत में नागरिकता देने के लिए लाया गया है, लेकिन इसको कांग्रेस और अन्य नेता मिलकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि किसी के बहकावे में ना आए और इस बिल को समझने की कोशिश करें। कुछ दल जिनकी प्रासंगिकता इस देश में खत्म हो गई और उन लोगों ने बरसों बरसों तक इस देश को चलाया, आज उनकी प्राथमिकता खत्म होने के कारण वो अपनी खोई भी जमीन को तलाशने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि नागरिकता अधिनियम की जहाँ तक आप बात करेंगे, इसमें भारत के अंदर आज भी किसी भी दुनिया के किसी भी देश के व्यक्ति को भारत में नागरिकता लेने का एक कानून है, जिस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ये मात्र उन जो भारत के पाकिस्तान जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए उस दौरान जो व्यक्ति जिस समुदाय का जहाँ भी रहता था वहीं बस गया, जैसे भारत में हमारे मुस्लिम भाई बसे, ईसाई भाई बसे, पारसी बसे, बौद्ध बसे। भारतीयता यही थी कि भारत ने कभी किसी धर्म के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हम लोगों ने ये देश चलता है। लेकिन पाकिस्तान में और सने सने बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बनने के बाद 15 अगस्त 1947 को पार्टीशन के बाद जो लोग इन देशों में रहे, चाहे हिंदू समुदाय के हों, चाहे पारसी रहे हों, चाहे जैन रहे हों, चाहे बौद्ध रहे हों, चाहे ईसाई भाई रहे हों, अल्पसंख्यक होने के कारण उनको जिस तरह से प्रताड़ना वहाँ पर दी गई, जबरन धर्म परिवर्तन के लिए उनको डराया धमकाया गया, उनके व्यापार को डैमेज किया गया और जिस तरह वो लोग उस दहशत से प्रताड़ना के कारण वो छोड़ के भारत में आके शरणार्थी बन गए। ये केवल उन लोगों को नागरिकता 11 वर्ष की जगह 5 वर्ष में दिए जाने का प्राविधान का अधिनियम है। वहीं उत्तराखंड के गैरसैंण ब्लॉक में दुरुस्त गांव सिउणी मल्ली में युवाओं ने नववर्ष के आगमन पर कार्यक्रम कर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ सिउणी मल्ली के प्रधान ध्यान सिंह ने किया। सम्मान समारोह में युवाओं ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बच्चन सिंह सेना मंडल से सम्मानित चंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह सहित 23 पूर्व सैनिकों की वीरता के लिए सिविल सर्विसेज परीक्षा में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने पर मदन सिंह, महेंद्र सिंह तथा पंकज सिंह और शिक्षा के क्षेत्र में शैलेश मटियानी पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षक धनश्याम ढोंडियाल, नंदलाल यादव, जयमल रावत तथा सुनीता देवी को, जबकि राज्य स्तरीय मैराथन धावक भरत सिंह, राष्ट्रीय स्तर की फोटो और खिलाड़ी गीता बिष्ट आदि को सम्मानित किया गया। राजेंद्र बिष्ट के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारी बसंती बिष्ट और श्याम सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आपका नाम? आप जो उत्कृष्ट सम्मान समारोह हुआ है उसमें आप आने वाली पीढ़ी के लिए किस नजर से देख रहे हैं? हम आने वाले पीढ़ी को इस साथ चेक कर रहे हैं कि जो हमारी विलुप्त हो रही संस्कृति विलुप्त हो रही धीरे धीरे, हमारे बीच कई ऐसे महान पुरुष हैं जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए जिनको हम नई पीढ़ी नहीं जान पा रहे। हम लोगों ने उन्हीं के इस कार्य करने के लिए उनको सम्मानित किया। जो हमारी नई पीढ़ी को पता लगे कि हमारे प्रत्येक विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने इस तरह का कार्य किया है, उनको जैसे पहला काम हमारे गाँव के जिस तरह से प्रत्येक आदमी पहला काम किया जो एक अच्छा रूप में है, तो हमने उन सभी लोगों को सम्मानित किया। आदर्श गांव बनने के लिए आप कितना सहभागिता करनी है? आदर्श गांव बनाने के लिए हमारा तो 100% सहभागिता है। लगभग हमारा हमारी ग्राम पंचायत मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित है और हम इसको आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। युवाओं के लिए क्या सीख देना चाहोगे आप? मैं अपने सभी युवाओं को यही सीख देना चाहूँ, जिस हिसाब से हमारे प्रत्येक बच्चे युवा कॉम्पिटिशन प्रत्येक उत्सव में निकल रहे हैं, उसमें तो मैं हमारे सभी छोटे युवाओं से यही आशा है कि वो भी प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी रहे
और अपनी भूमिका निभाई उत्तराखंड को, इस गांव को, इस देश को बचाने में अपना अहम भूमिका निभाई। आज ये प्रोग्राम हो रहा मल्ली छोड़े ग्राम में, आप किस थीम को लेके इस प्रोग्राम को आज करा रहे हैं? देखो, जो हमारा जो सोचना है, पहले भी हम लोग इस पे काम कर चुके हैं, तो हमारा मानना यह है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको एक उचित सम्मान मिले, और उसके लिए हम लोगों ने कोशिश की है। और उसके साथ ही जो हमारे नौनिहाल हैं या जो हमारी नई प्रतिभाएं हैं वो विशेष क्षेत्रों में अपना सर्विसेज दे रही हैं, तो उनको एक मंच प्रदान हो सके, उनकी प्रतिभाओं को एक मंच के माध्यम से हम लोग जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। युवाओं पे इसका कितना असर पड़ेगा? युवाओं के लिए ही ये प्रोग्राम है कि जो जिस तरीके से कई सारे युवा बहुत अच्छा कर रहे हैं और कई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा सोचना यह है कि वो लोग भी इसमें भागीदार बने और इस तरीके से आगे भी हम लोग कोशिश करते रहेंगे, इस तरीके के प्रयास। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार इंडिया।